भारत में गाय पालन का चलन बढ़ता जा रहा है, चाहे खेती की लागत को कम करना हो या फिर दूध बेचकर एक्स्ट्रा इनकम लेनी हो। इन सभी कामों में गाय काफी उपयोगी साबित हो रही है। देसी गाय का दूध और घी भी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। वैसे तो देसी नस्ल की सभी गायों की अपनी अपनी खास बात है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस देसी गाय की जिसे पहाड़ों की कामधेनु का दर्जा दिया गया है। वैसे तो बाकी गायों की तुलना में बद्री गाय सिर्फ 3 से 4 लीटर ही दूध देती है, लेकिन इसके दूध से बना घी 4,000 से 5,000 रुपए किलो के भाव बिक रहा है, यानी साधारण गाय के घी से 5 गुना ज्यादा कीमत पर। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मिलने वाले बद्री गायों के दूध में पोषक तत्व और अधिक मात्रा में मिलता है। किसानों के लिए पशुपालन आर्थिकी का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। वे बद्री गाय पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बद्री गाय के दूध में ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो अन्य गायों के दूध में कम पाया जाता है। बद्री गाय के दूध में CLA कंपाउंड सबसे अधिक पाया जाता है, जो कैंसर की बीमारी से लेकर कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की बीमारी के खतरे को कम करता है। अगर कोई बद्री गाय के दूध का लगातार सेवन करता है तो उसे इसके पोषक तत्वों का फायदा मिलता है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान का कहना है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय बद्री गाय पर कार्य कर रहा है। यहाँ विश्वविद्यालय द्वारा बद्री गाय की क्लोनिंग पर भी कार्य शुरू कर लिया गया है, जिससे कि अच्छी नस्ल की गाय पशुपालन करने वालों तक पहुँच सके। मानी जाती है, और मैंने जब मैं NDRA करनाल में डायरेक्टर के पद में था, वहाँ पर मैंने रिसर्च में पाया कि बद्री गाय का दूध जो है वास्तव में अमृत है। अमृत इसलिए है कि उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जो बाकी गाय के दूध में कम होता है, बद्री गाय के दूध में बहुत ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं CLA, कंजुगेटिव लियोनिक एसिड जो होता है उसमें होने के कारण उसका काम होता है कि जैसे कैंसर की बीमारियों को कम करना, उसका काम ये होता है कि जैसे ब्लड प्रेशर को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसकी बीमारी जो होती है उसको कम करना होता है। तो वो अगर वो दूध पीते हैं तो उससे काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बचाव हो सकता है। तो इसलिए हमारा मुख्य ध्यान यह है कि वो दूध है जो बद्री गाय का, उसका उसमें हम प्रोत्साहन दें। उसमें हमारे किसान भाई हैं, जितने भी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, दूध जो वहाँ पर बद्री गाय पाल रही है, वो दूध उनका उत्पादन करके और उसमें अपना ज़्यादा कीमत पर दूध को बेचा जा सकता है और बेचती भी है। अभी देखा गया है कि बद्री गाय का घी जो है दिल्ली में 4,500 रुपये किलो बिक रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें काफ़ी स्कोप है, काफ़ी संभावनाएँ हैं।